हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं ना, और उन्होंने इकोनॉमिक्स को लिया है। तो आपको पता है कि आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे होंगे और आपने इकोनॉमिक्स को लिया है, तो आपको जो पढ़ना ना, इसमें पढ़ना मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में ये पढ़ना है ना बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं गणितीय अर्थशास्त्र। इसमें गणित की कुछ चीज़ों को पढ़ना होगा। इकोनॉमिक्स के हैं आप स्टूडेंट, तब भी आपको गणित की कुछ चीज़ें पढ़नी होंगी। तो उसी को आज हम लोग देखेंगे। आज से ये कंटिन्यू होगा आपका क्लास, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए अभी से, ठीक है? तो चलिए, इसमें आपने अगर मेजर के रूप में इकोनॉमिक्स को लिया हो या माइनर या एमडीसी किसी भी रूप में आपने इकोनॉमिक्स को लिया है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और चलिए बिना विलंब के चीज़ों को देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना बच्चों, वो नंबर सिस्टम है, ठीक है? नंबर सिस्टम का जो हिंदी मतलब होता है संख्या पद्धति, ठीक है? तो संख्या पद्धति यानी नंबर्स आप जो देख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब के बारे में आपको जानना है कि कौन सा नंबर क्या कहलाता है, कौन सा किस तरह का नंबर होता है, प्राकृत संख्या क्या होती है। फिर आपने सुना होगा कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। तो उसी के बेसिस पे आपको पढ़ना है या जानना है, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी करने लगिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उतना ही जानना है जितना आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ठीक है? दूसरी बात है, इसमें यह भी है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ना है। इसमें आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए ताकि आप इकोनॉमिक्स में उसको अप्लाई कर सकें, ठीक है? तो उसी चीज़ों को ध्यान पे में रखते हुए इस वीडियो को हमने डिज़ाइन किया हुआ है, बनाया है आपके लिए, ताकि आपको सहूलियत हो। हिंदी में आप चाहते थे, हिंदी इंग्लिश दोनों का ही, दोनों ही लैंग्वेज का यूज करेंगे, बट कोशिश हमारी रहेगी आपको हर अच्छे तरीके से समझा दें बातों को। पहली बात, नंबर सिस्टम को अब हम लोग देखते हैं। तो नंबर सिस्टम जब हम लोग पढ़ते हैं ना बच्चों, इसी में कई एक टर्म्स को देखना होता है। टर्म्स का मतलब होता है ना, कई एक कंसेप्ट आपको देखने होंगे। पहली तो कुछ होता है प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या है यही आपसे पूछ देगा। अगर मान लीजिए, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, या ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा कि प्राकृत संख्या मतलब शुरू होती है कहाँ से। तो आपको ध्यान में रखना है कि देखिए, प्राकृत संख्या उस संख्या को कहते हैं ना जो 1 से शुरू हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन्फिनिटी यानी कि अनंत, यानी कि जब तक आप जितना गिनती कर सकते हैं, करोड़, 2 करोड़, जितना, वो सब प्राकृत संख्या है, ठीक है? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है? जो कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हुए शुरू होता है। तो पहली बात ये कि प्राकृत संख्या है क्या, तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी 1 से ये शुरू होगा और अनंत तक जाएगा, इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, 1, 2, 3, 4 ऐसे एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक, आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्राकृत संख्या होता क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, वह संख्या बताइए जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो आप को ऑप्शन 4 को दे देगा, बोलेगा क्या होगा बताइए। तो आपको ये ध्यान में रखना है, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर वो है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ठीक है? रिपीट इसलिए कर दिए ताकि आपको हर तरह से तैयार रहना है, क्वेश्चन जैसे भी हो आपको सही उत्तर करके आना है, ठीक? अब चलिए दूसरा जो है टर्म्स उसको देखते हैं, यानी दूसरा जो है इसी में जो आपको नंबर सिस्टम में पढ़ना है, दूसरा टॉपिक वो है संपूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं होल नंबर्स। होल का मतलब होता है ना, जहाँ प्राकृत है वहाँ पे आप सोचे 1, 2, 3, 4 का बात किए, लेकिन 0 का बात नहीं किए। शून्य भी एक संख्या है, यानी 0 भी एक संख्या है बच्चों, उसकी चर्चा वहाँ नहीं किए थे। यहाँ पे क्या होगा, 0 को लगाकर 1, 2, 3, 4 जितना प्राकृत संख्या है ना, सबको जोड़ दीजिएगा, तो इसी को बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है? इसी को बोलते हैं संपूर्ण संख्या, यानी कि ये 0 से शुरू होता है, ठीक है? 0 से इन्फिनिटी तक ये जाता है, यानी अनंत तक जाता है। ऐसे अब देखिए इसका डिफिनेशन को, जब प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर दिया जाता है ना, तब तो उसे संपूर्ण संख्या, इसी को होल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल्स नंबर जो है उसमें जब हम लोग 0 को भी ऐड कर देते हैं, तो इसी को बोल देते हैं होल नंबर्स, ठीक है? इसको याद रखिएगा। तो इसके एग्जांपल्स जो हैं उसको देख लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत, यानी जितना आप गिनती कर सकते हैं सब कुछ क्या है, होल नंबर्स भी है, ठीक है? आपसे बोलेगा 1, 2, 3, 4 क्या है, तो आप बोलिए होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, ठीक है? लेकिन नेचुरल नंबर आपसे पूछेगा कि 0 से शुरू कौन होता है, तो बोलिए होल नंबर्स, यानी इसको बोलते हैं संपूर्ण संख्या। और जो आपसे बोलेगा 1 से शुरू कौन होता है, तो आप बोलिएगा नेचुरल नंबर्स, ठीक है? अब देखिए अगला जो टर्म है, पूर्णांक या पूर्ण संख्या, इसको इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है, पूर्णांक या पूर्ण संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं ना बच्चों, इसको थोड़ा समझिए। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए अभी होल नंबर्स आपको बताया 0, 1, 2,
3, 4 कुछ भी जितना भी आप देखे अनंत तक, उसके बाद देखिए उसी तरह हम बोले प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 ये सब है ना। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, देखिए जीरो वाला जो ये संख्या है ना यहाँ तक तो आप देख लिए, तो आप देखिए 0, 1, 2, 3 ऐसे करके एक्सेट्रा पूरा एकदम आगे तक, उसी तरह इधर जो है ना -3, -2, -1 ये जो है ना ये पूरा माइनस वाला और प्लस वाला दोनों ही जिसमें आ जाता है ना उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ पे लिखे हैं -4, -3, -2, -1, 0, 0 बीच में रहेगा आपका हर हमेशा, और 1, 2, 3, 4 फिर पॉजिटिव इधर, यानी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही जिसमें आ जाता है ना उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं बच्चों जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाए और जीरो भी शामिल हो, उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो अब देखिए इसको सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं तथा शून्य के समुच्चय, समुच्चय का मतलब था समूह, को पूर्णांक कहते हैं या पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा, पूर्ण संख्या को जो है ना बच्चों इसको आई या जेड से निरूपित किया जाता है, यानी आई या जेड लिख दिए तो वह भी उसका भी मतलब हो गया पूर्ण संख्या, आई बराबर जेड बराबर पूर्ण संख्या। ठीक है, ये तीनों का मतलब हो गया पूर्ण संख्या। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा, ये टर्म है बच्चों, ये आपसे ध्यान में रखनी है आपको। अब देखिए सम संख्या क्या होता है, एक होता है ना सम संख्या, एक होता है विषम संख्या, आपने बचपन से सुना होगा, ये जितने भी टॉपिक है ना ये बचपन से ही आपने सुना है, बट इसको आप एकदम अच्छे से दिमाग में सेट करते चलिए। तो सम संख्या उसको बोलते हैं ना बच्चों जो दो से कट जाए, यानी जिसका भाग दो से लग जाए, जैसे कि दो क्या है सम संख्या, इसको दो से भाग लगाइए, 2 × 1 = 2 कट गया ना, तो ये हो गया सम संख्या। फिर देखिए एक दो उदाहरण और देखिए, जैसे 4, इसको भी 2 से आप भाग लगाइए, 2 × 2 = 4 होता है ना, तो 4 भी कट गया 2 से, तो यह भी क्या हुआ सम संख्या। 8 है तो 8 भी 2 से कटे, यानी कि जो भी संख्या 2 से कट जाएगा ना उसको सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में इवेन नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि सम संख्या वह होता है जो 2 से भाग लग जाए जिसमें। ठीक, एकदम सीधा यही याद रखिए, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ ये सब देखिए, इसको कटाइएगा 2 से सब कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए अगला जो है टर्म, वह है विषम संख्या, इसको बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्या होता है ऑड नंबर्स का मतलब होता है ना ऐसा संख्या जो 2 से नहीं कटता हो, जैसे कि देखिए आपको बताते हैं, देखिए 1 को 2 से भाग दीजिएगा तो ये कटेगा नहीं कटेगा, 3 को 2 से भाग दीजिएगा कटेगा नहीं कटेगा, इसी तरह पॉइंट में आएगा लेकिन ये कटेगा नहीं, एक बात ध्यान में रखिएगा पॉइंट में इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम क्या बोले जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे यानी कि टोटली कट जाए ऐसा तो होगा नहीं, जैसे कि 2 से देखिए 2 से भाग दीजिए 4 को तो ये पूरा कट जाएगा, 2 × 2 = 4 दो बार में ही कट गया पूरा, लेकिन जो देखिए पूर्णतः 2 से नहीं कटे या विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या बोलते हैं, इसको ऑड नंबर्स बोलते हैं। जैसे देखिए इसका जो है एग्जांपल 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एक्सेट्रा, जो कि 2 से नहीं कटेगा वो सब आपका क्या हो गया विषम संख्या हो गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि सम संख्या क्या होता है जो 2 से कट जाए, सम मतलब हो गया ना 2 से जो सम 2 में समा जाए उसको सम कहेंगे, 2 में जो नहीं समाएगा उसको भी सम कहेंगे, इतने ही ध्यान में रखना है आपको, तो ये कंसेप्ट क्लियर आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए अब अगला क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, अब उसको देखिए, वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से पूर्णतः विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, वो अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। जैसे कि देखिए 2 जो है 2 को भाग लगाइए, ये या तो 1 से कटेगा, 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 × 2 = 2 होता है तो ये 1 से कटेगा, या फिर 2 को भाग दीजिए 2 से तो ये 2 से कटेगा, यानी कि जो है अब देखिए इसको समझाते हैं, अभाज्य संख्या वो है ना बच्चों जो खुद ही से कटे या नहीं तो 1 से कटे उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो संख्या या तो अपने आप कट जाए अपने आप से, यानी कि 2 है तो 2 ये से कटेगा, या फिर वो 1 से कटेगा, यानी 1 से तो हर संख्या कट जाता है, ये बात ध्यान में होगा आपको। जैसे 9 है, 9 को भी 1 से कटाइएगा तो 9 बार में 9 आता है ना, एक बार 1 को 9 से गुना कीजिएगा तो 9 बार में, यानी 1 × 9 कीजिएगा तो 9 बार में आ जाएगा, तो यह भी कट जाता है। तो यानी कहने का मतलब वो संख्या जो 1 से कटता हो या खुद से कटता हो उसको अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में 2 हो गया, 4 हो 3 हो गया माफ़ कीजिएगा,
पाँच हो गया, सात हो गया, ग्यारह, तेरह, सत्रह, उन्नीस, ये सब संख्या देखिएगा, जितनी संख्या ये सब है ये किसी से नहीं बल्कि अपने आप से या एक से ही कटेगी, बाकी दूसरा संख्या से ये पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। आप देख लीजिए करके, ये सब संख्या का बात बता दिया आपको। उसके बाद आ जाइए अगला जो है टॉपिक, वो है परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि रेशनल नंबर वो होता है ना बच्चों जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए। पहली बात है यही याद रखिए कि वह संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू जो है ना वो जीरो के बराबर नहीं हो, उसी को बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे इसको इस तरह समझा देते हैं आपको, देखिए कोई भी संख्या जो p बटे q के रूप में हो, इसी रूप में जैसे कि आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये जो नीचे वाला q है ना ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये इसका कंडीशन है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बाई q के रूप में हो और वो q जो है वो शून्य के बराबर नहीं हो, यानी शून्य से बड़ा ही होना चाहिए, वन टू थ्री फोर कुछ भी हो लेकिन शून्य ना हो, निगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो कि हमने बताया था ना कि निगेटिव वन हो, निगेटिव टू हो, कुछ भी हो जाए बट वो शून्य नहीं होगा खाली, ये ध्यान में रखिएगा। इसी को बोला जाता है परिमेय संख्या, जैसे कि आपको हमने समझा दिया। अब देखिए इसके उदाहरण कुछ देख लीजिए आप, ये सभी देखिए, जैसे कि माइनस टू बाई थ्री है, थ्री बाई फाइव है, वन बाई फाइव है, ये सब के सब परिमेय संख्या के उदाहरण, यानी इसी रूप में लिखा रहेगा, चाहे वो माइनस में हो प्लस में हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बटे में होना चाहिए, यानी कि पी बाई क्यू के रूप में हो, यानी कि भाग के रूप में हो, सीधा मतलब ये समझिएगा ना बच्चों। जैसे कि एक बट्टा दो लिखते हैं तो वो हाफ होता है ना, तो इसी रूप में होना चाहिए, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे टू बाई थ्री हो, टू बाई फोर हो, तो इस रूप में होगा ना, तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि संख्या पद्धति जिसको हम लोग नंबर सिस्टम्स बोल रहे थे ना, इसमें यही टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ना तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, चूँकि आपसे जब एग्ज़ाम दीजिएगा ना वहाँ ऑब्जेक्टिव भी भर भर के पूछेगा, इसीलिए आपको तैयार हर तरह से रहना है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम इसलिए हमने पढ़ाया बच्चों, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे, ताकि हम कोई भी टॉपिक को पढ़ाएं वहाँ नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करें, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कहते किसको हैं, ठीक है। इसीलिए इसी टॉपिक को पहले हमने करा दिया। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, कमेंट में आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, तभी हम दूसरे क्लास को लाएंगे और दूसरे क्लास से आपका यूनिट वन का ही ये टॉपिक था, अगले टॉपिक को भी शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद।